हकीम लुकमान की नसीहतें। नंबर एक, अगर तुम्हारे पैरों में दर्द रहता है और लिकोरिया की परेशानी है तो रोजाना सुबह 8 बादाम खाया करो, परेशानी से निजात मिल जाएगी। नंबर दो, निहार मुंह एक छोटा अदरक का टुकड़ा चूस लिया करो, कोई बड़ी बीमारी हासिल नहीं होंगे। नंबर तीन, जिनके साथ उठते बैठते हो उनसे यह दो राज छुपा कर रखो, कभी धोखा नहीं खाओगे। नंबर एक पर है घर के अपने हालात, नंबर दो पर है अपनी मजबूरियां, नंबर तीन है प्याज के अर्क में कुछ बूंदे नींबू के रस की मिलाकर चेहरे पर लगाएं, कुछ देर बाद पानी से धो ले, चेहरे के दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। नंबर चार, ए लोगों, अपने घर आए हुए मेहमानों की खिदमत किया करो, इससे तुम्हारे रिज्क में इजाफा हो जाएगा। नंबर पांच, बदन के लिए हमें हकीम की जरूरत होती है और दिमाग के लिए एक अच्छे उस्ताद की। नंबर छह, जब छींक आती है तो एक सेकंड के लिए दिल धड़कना बंद हो जाता है। ए लोगों, जिंदगी मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। नंबर सात, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में कोई हादसा या परेशानी ना हो तो हमेशा सदका करते रहना। नंबर आठ, अपने चार राज घर वालों से भी छुपा कर रखो, तो नंबर एक पर है अपनी असल आमदनी, नंबर दो पर है अपनी आमदनी का जरिया, नंबर तीन पर है सफर पर आने जाने का वक्त, और नंबर चार पर है मुकाम। नंबर नौ, रोज रात में कुछ छुहारा दूध में उबाल कर पिया करो, इससे तुम्हारी मर्दाना कुव्वत में जफा हो जाएगा। नंबर दस पर है रोज वक्त पर सोया करो और सूरज निकलने से पहले उठा करो, इससे दिमाग सुकून में रहता है और बदन में चुस्ती रहती है, हाजमा सही ठीक रहता है और दिल मजबूत रहता है। नंबर 11, सुबह को उठकर सबसे पहले परिंदों के लिए ताजा पानी रखने से इंसान मालदार होता है। नंबर 12, अगर चाहते हो कि तुम्हारी हर जायज ख्वाहिश पूरी हो जाए तो नमाज ए फज्र के बाद सूरह यासीन की तिलावत किया करो। नंबर 13, अगर याददाश्त कमजोर हो तो कुछ बादाम और काली मिर्च का पाउडर बना ले और सुबह निहार मुंह एक चम्मच खा ले, दिमाग इतना तेज हो जाएगा कि कुछ भी नहीं भूलोगे। नंबर 14, पपीते का रस चेहरे पर लगाओ, 100 साल तक चेहरे की चमक बनी रहेगी। नंबर 15, पैरों के तलवों और उंगलियों के बीच खिला की जगह पर तेल की मालिश किया करो, क्योंकि पैर और दिमाग का कनेक्शन उतना ही है जितना कि जिस्म का रूह से। नंबर 16, एक औरत अगर अपने शौहर के घर पर खुश रहना चाहती है तो उसे चाहिए कि गैरों की बातों पर ध्यान ना दे, यहाँ तक कि अपने घर वालों की बात भी ना सुने और अपने शौहर से कुछ ना छुपाए। यकीन जानो, तुम्हारे शौहर ने तुमसे ज्यादा दुनिया को परखा है। नंबर 17, एक औरत जितनी चुप रहती है उतना ही अकलमंद और जाहिन समझी जाती है। नंबर 18, खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खा लिया करो, जिस्म में खून की कमी नहीं होगी और हमेशा जवान रहोगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करना ना भूलिए। अपना प्यार और समर्थन बनाए रखे, आप सबका प्यार ही हमारी ताकत है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।